still drive me crazy. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं है तो आई गेस आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि जब मैंने इस व्लॉग के बारे में पिक्चर या स्टोरी शेयर की थी मेरे इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे दोस्तों के उस दिन से मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं आपको रेसिपी बताऊं. यस, इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मंचूरियन की रेसिपी. ऐसे कोई पिक्चर परफेक्ट रेसिपी की वीडियो नहीं है, ये काइंड ऑफ व्लॉग है जिस दिन मैं और मेरे हस्बैंड कुक करने वाले हैं हाक्का मील टुगेदर, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे नूडल्स कुक करते हैं. आई डोंट नो फॉर सम रीज़न वो क्या करते हैं, सारी चीज़ें मैं ही ऐड करती हूँ. सब्जियाँ मैं डिसाइड करती हूँ कितनी डालेंगे, सॉल्ट पेपर सॉसेस सब कुछ मैं डालती हूँ. वो बस मिक्स करते हैं सारे इन्ग्रीडियंट्स को, उसी से फ्लेवर चेंज हो जाता है, यही उनकी कोई खास बात है. यस, आज के व्लॉग में यही करने वाले हैं. अगर आप वंडर कर रहे हैं कि मैं व्लॉग की शुरुआत रात को क्यों कर रही हूँ, आप देख सकते हैं बाहर रात है विंडो से, वो इसलिए ये शुरुआत नहीं है, ये एंड है. मैं अब इस वीडियो को यहाँ पे बैठ के एडिट कर रही हूँ. हस्बैंड एंड हिम्मत नीचे समय स्पेंड कर रहे हैं और मैं आज डिनर के लिए लज़ानिया बना रही हूँ, और लज़ानिया को कुक होने के लिए 45 मिनट लगेंगे. और फिर मैंने सोचा कि मैं आज ये वीडियो को एडिट करके अपलोड कर देती हूँ. तब मैंने देखा कि मैंने ये व्लॉग बनाना ही शुरू किया कुकिंग से, कोई हेलो हाई नहीं, कोई दुनिया नहीं दस्ती, सो इतना कितना चलेगा दोस्तों, ये नहीं चलेगा. सो इसलिए सोचा मैंने कि थोड़ा हेलो हाई बोल देती हूँ आपको. और यस, आई होप आप ये व्लॉग को एंजॉय करेंगे. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं. मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें. लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है. और कमेंट बार में जो भी आपके दिल में है वो बताएं, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि हम लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं जब आप कमेंट्स करते हैं. तो अगर आपने आज तक मेरी वीडियो पर कभी कमेंट नहीं किया है तो आज वो दिन है जब आपको कमेंट करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आपने मेरी कौन सी पहली वीडियो देखी थी. सो मैं पढ़ूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी. मैं मेरी पूरी कोशिश होने वाली है. सो यस, शुरुआत करते हैं कुकिंग व्लॉग के साथ, जो बस ऐसे ही शुरू हो गया था तभी. लेट्स डू दैट. यस, सो इट्स ऑल नाइस एंड क्लीन हेयर. और यहाँ पे कुकिंग का प्रोसेस शुरू होने वाला है. हम निकालेंगे इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ करने वाले हैं. ओके, सो मंचूरियन को बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ग्रीन पेपर, कैबेज, कैरेट्स एंड बीन्स. आप कोई सी भी सब्जियाँ यूज़ कर सकते हैं, पर ये वाली सब्जियाँ सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट करती है. सब्जियों को मैं क्यूब्स में काट लूँगी क्योंकि लेटर मैं इसको फूड प्रोसेसर में प्रोसेस कर रही हूँ. फूड प्रोसेसर में प्रोसेस करते समय ही मैं जिंजर एंड गार्लिक भी ऐड कर दूँगी ताकि अलग से काम नहीं करना पड़े. वंस ये अच्छी तरह ग्रेट हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तो हम इसमें सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर लेंगे स्वाद के अनुसार. इसमें हम ऐड करेंगे फ्लावर, पर फ्लावर को एकदम से बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिक्स करें और जैसे आपको लगता है कि और की ज़रूरत है करें, अदरवाइज़ फिर वो सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर हो जाना और फूड कट होना. इसलिए काली ना करें दोस्तों, आराम ना करें, प्यार ना. चढ़ गया मिर्चा है, प्यारे पति नो स्पाइसी का हम पसंद है. ये काइंड ऑफ बाइंड हो रहा है अब, पर हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे. जब आपको लगता है कि बाइंड हो रहा है तो बॉल बना के देख ले और फिर आप अपनी चॉइस की नन्नी मन्नी सी एडा बॉल्स बना लेंगे. और बूटी दिख रही है भैया बॉल्स, दीस मंचूरियन बॉल्स. बॉल तो करे एडा यार टेनिस बॉल बनाउन दी नहीं, एडा दिया बना बना के टेर लाओ.
सो इनको हम फ्राई करेंगे ऑलमोस्ट लो टू मीडियम हीट पे, क्योंकि अगर आप तेज़ पे डालेंगे एकदम से काले हो जाएंगे, अंदर से कुक नहीं होंगे. सो स्लो कुक करेंगे इनको. ये तेल ज़्यादा गर्म हो गया इसलिए मैंने साइड कर दिया है. लो हो जाए, मीडियम टू लो हो जाए तो इसमें हम बॉल्स ऐड कर देंगे. सो इस रंग की बॉल्स हमने निकाली है. मैंने थोड़ा खोल के देखा था, अच्छी लग रही है मुझे. और यस, अब अगला बैच डाल दिया. नूडल्स के लिए सब्जियां स्लाइस कर दी हैं. कैबेज है, पेपर है, कैरेट है एंड अनियन थोड़े और ऐड करेंगे क्योंकि बाकी मैंने चॉप कर लिए हैं. ग्रेवी बनाने के लिए मंचूरियन की और नूडल्स को बॉयल करने के लिए रखने वाली हूँ. अब मैं इसको चॉप कर लूँगी स्मॉल क्यूब्स में, या कहीं ना चॉप ही कर लूँगी, नॉट क्यूब्स. सो ग्रेवी में हम लोग ऐड करेंगे पेपर, अनियन, गार्लिक एंड स्प्रिंग अनियन काटने वाली हूँ और टोमेटो केचप. सो सारी मंचूरियन बॉल्स रेडी हैं. अब हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि अभी हमें भूख नहीं लगी है. अराउंड एक घंटे बाद कुक कर दें. लेट्स गो, आराम कर दे थोड़ा. और डैडी तो आराम की पोजीशन से ऑलरेडी पहुँच चुके हैं. पहुँच के चुके सारे दिन तो आराम की पोजीशन से रहते हैं. नहीं, एक्चुअली ही हेल्प मी चॉपिंग दिस. आराम कर दे दो कड़ी. सो नूडल्स बॉयल हो चुके हैं. शेफ को बुलाया जाएगा. शेफ, नूडल्स बॉयल हो चुके हैं. ब्लैंकी चक्को दे आ जाओ. शेफ ने कहा कि मैं नूडल प्रोफेशनल वॉक च बनाना है, तो उनको वॉक दिया गया है और मेरे पास ये है. मैं इधर बनाऊंगी, इधर बना गया ही इतने रेस्टोरेंट बनाने लग गया. अग्री, चलो. ओके शेफ, तो दस मार आप ले ऑयल शेफ. Chef, made it jibi pano curry. Alright, so I'm gonna start with my curry holy bowls. Like this, sachi ready. So this feeling glad of it. Okay, so main sabse pehle garlic add karungi. ओके सो हम इसमें गार्लिक को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा रॉ फ्लेवर चाहिए. तो जैसे ही थोड़ा कुक होता है तो हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे. और उधर नूडल्स ले अनियन एंड सब कुछ ऐड हो चुका है. तो मैंने अनियन को एंड ग्रीन पेपर को एक साथ ऐड कर दिया है. तो हम इनको अब थोड़ा कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं. उधर उधर हल्ली मचा दी है पतीले. तो पूरा रेडी. थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो रहा है. मैं सॉल्ट एंड पेपर ऐड करूँगी. मिक्स किया जाएगा अगेन. हस्बैंड ने कैबेज ऐड कर दिया. हस्बैंड बहुत काली के लग गए मैंने. ऑर्डर आया लाला तो डाले. मैं तो पाव ने बढ़ा के. इस पे मैं थोड़ा सा चम्मच टमेटो पेस्ट ऐड करने वाली हूँ और सिर्फ दिस मच. सो मैंने इसमें केचप एंड थोड़ा सा टमेटो पेस्ट डाला है तो ऐसा दिख रहा है. अब हम डालेंगे सोया सॉस. ओके, इसके पानी का जब एक उबाल आता है तो मैं इसमें कॉर्नस्टार्च ऐड करूंगी पानी में मिक्स करके, ताकि थोड़ी सिल्की स्मूथ शाइनी हो जाए हमारी सॉस. देन हम ये मंचूरियन बॉल्स ऐड करेंगे. थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे हम, क्योंकि एकदम से नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है सॉस. जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे करें. आई गेस आई एम हैप्पी विद दिस. अब हम इसमें मंचूरियन की बॉल्स
ऐड कर देंगे क्योंकि उसको डाल के भी हमें थोड़ा कुक करना है। पचीने खलारा पाता है उधर ना तो चंगियाड़े करते बोलिए या सो अब इसको हम थोड़ा कुक करेंगे और लेटर मैं इसमें ऐड करूँगी अजीनोमोटो। वो पहले भी डाल सकते हैं पर मैं बोलगी हूँ डालना, सो उसको ऐड करूँगी एंड हम सर्व करेंगे स्प्रिंग अनियन के साथ। सो हमारा आज हाका चाइनीज प्लेटर रेडी है। अब हम इस पे गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियन एंड सर्व करेंगे हस्बैंड को। हस्बैंड ट्राई एंड लेट अस नो। सो मील बहुत डिलीशियस बना था, काफ़ी ज़्यादा खा लिया है, अब पेट बहुत ज़्यादा भर गया है। अब मैं सोने के लिए फील कर रही हूँ पर मैं सोऊंगी नहीं, हम टीवी पे कोई मूवी शूवी देखेंगे। अभी सिर्फ 7:30 हुए हैं। आई होप आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा, अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करें। मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज अ ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर। स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइज कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। बाय, लव यू।